प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको भोलेनाथ के भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में गोरा नाम का एक चरवाहा था, जो अपनी पत्नी बिमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो रोज सवेरे गांव वालों के पशुओं को घास चराने जंगल में ले जाता और शाम होने पर लौटता था, आकर पशुओं को बाड़े में बंद कर देता था। रात में जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए सारी रात पहरा देता था। जब भी वो खाली होता था तो ओम नमो शिवाय का जाप करता रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो कई दिन तक नहाता नहीं था। गांव वाले उससे नाराज थे, क्योंकि शरीर की शुद्धि किए बिना ही वो मंत्र का जाप करता था। वो कहते, भगवान तुझे श्राप देंगे। पर गोरा सीधा था। वो कहता, मैं तो दिन रात भोलेनाथ की भक्ति करना चाहता हूँ, ताकि मुझे उनका दर्शन मिले और मोक्ष प्राप्त हो जाए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की। प्रभु को पाना है तो रोज प्रातः काल स्नान करना होगा, शंकर भगवान की पूजा सेवा करनी होगी, उसके पश्चात ही मंत्र का जाप करना होगा, तभी शंकर भगवान खुश होंगे और दर्शन देंगे। भोला बोला, मुझे नहाने का समय नहीं मिलता है। रोज सवेरा होते ही मुझे जंगल को जाना होता है और मैं शाम ढलने पर ही लौटता हूँ। भगवान की पूजा की विधि भी मुझे ज्ञात नहीं है, कोई और तरीका हो तो बताइए। बुजुर्ग बोले, तुम रोज भोजन तो करते ही हो, भोजन करने के पहले भगवान का भोग लगाना, तत्पश्चात अन्न ग्रहण करना। गोरा खुशी से बोला, ये उपाय तो सरल है, इसका पालन तो मैं कर सकता हूँ। ये कहकर गोरा वहाँ से चला गया। जब उसकी पत्नी बिमला खाना लेकर आई तो गोरा उससे बोला, खाना रख दो और चली जाओ। पत्नी चली गई। गोरा खाने बैठा तो उसने पहले शंकर भगवान का ध्यान किया और बोला, हे भोलेनाथ, पहले आप खा लीजिए, फिर मैं खाऊंगा। ये कहकर वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो देखा भोजन वैसा का वैसा ही पड़ा था। उसने शंकर भगवान से विनती की, प्रभु मेरा भोग स्वीकार कीजिए। पर कोई परिणाम नहीं निकला। बैठे बैठे शाम हो गई। उसका धैर्य टूटने लगा। उसे जोर से गुस्सा आ गया। उसने भोजन उठाकर नदी के किनारे रख दिया। भगवान, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। शाम को पत्नी फिर से भोजन लेकर आई और रखकर चली गई। पत्नी के जाने के बाद गोरा ने शंकर भगवान को आवाज लगाकर प्रार्थना की, प्रभु मेरा भोग स्वीकार करें। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी भोलेनाथ नहीं आए तो उसने फिर से नदी के किनारे खाना रख दिया। उसे लगा, शायद भोलेनाथ मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अब रोज का यही क्रम हो गया। पत्नी खाना लाती और गोरा उसे नदी के किनारे रख आता। एक सप्ताह बीत गया। उसका शरीर कमजोर होने लगा। पत्नी ने चिंता व्यक्त की, आपको क्या हो गया है? शरीर दिन पर दिन दुबला होता जा रहा है। गोरा ने कुछ नहीं बताया, उल्टे डांट कर भगा दिया, हटो तुम, जाओ यहाँ से। अब गोरा की हालत दिनों दिन बिगड़ने लगी। अब उससे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो अपने निश्चय पर डटा रहा और भोलेनाथ के भोग का इंतजार करता रहा। 15 दिन बीत गए। गोरा ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, शायद मैं कल का सूरज भी ना देख सकूं। पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज हैं। ये कहते कहते उसको नींद आ गई। सपने में देखा भगवान शंकर उसके सामने खड़े थे। वो उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझसे क्या भूल हुई, आप क्यों नाराज हैं? शंकर बोले, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हारे हृदय में ही रहता हूँ। तुम भोग लगाने की बात कहकर भोजन ग्रहण कर लेते तो वो भी मुझे प्राप्त हो जाता। फिर उन्होंने गोरा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोले, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। गोरा बोला, हे भोलेनाथ, मुझे संसार से मुक्त होना है। शंकर बोले, भोला तुम अपना कर्म करो, पत्नी की जिम्मेदारी निभाओ, जब तुम्हारी आयु पूरी होगी तब तुम स्वयं मेरे पास आ जाओगे। ये कहकर शंकर भगवान
अदृश्य हो गए। एक नगर में भगवान शिव का बहुत सुंदर प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में भक्तजन दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते थे। ऐसे ही एक बार श्रावण का महीना था, दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए आए हुए थे। मंदिर का आंगन भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में जोर से बिजली चमकी और एक सोने का थाल आकाश से उतरा और साथ ही आकाशवाणी हुई कि जो भी शिव जी का सच्चा भक्त होगा उसी को यह सोने का थाल मिलेगा। मंदिर में उपस्थित सभी ने यह आकाशवाणी सुनी तो वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पक्का विश्वास था कि ये थाल उन्हें ही मिलेगा, इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले मंदिर का पुजारी आगे आया और बोला कि मैं महादेव जी को सबसे पहले जलाभिषेक करता हूँ, इसीलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। यह कहकर जैसे ही उसने थाल को उठाया तो वह थाल पीतल का हो गया। तो वह पुजारी थाल को वहीं रखकर लज्जित होकर चला गया। इसी तरह वहां उपस्थित सभी ने खुद को आजमाया लेकिन कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त ना निकला। फिर उस नगर का राजा आया और बोला कि इस मंदिर के निर्माण में मैंने बहुत सा चंदा दिया है, इसीलिए मैं ही शिव का बड़ा भक्त हूँ। ये कहकर जैसे ही राजा ने थाल को हाथ लगाया तो थाल तांबे का हो गया। राजा लज्जित हुआ और थाल को वहीं रखकर एक और खड़ा हो गया। उसके पश्चात एक से बढ़कर एक दानी महात्मा सिद्ध योगी आगे आए लेकिन वह थाल सबके हाथ में जाकर किसी दूसरी धातु का होता रहा किंतु सोने का किसी के हाथ में भी नहीं रहा। तभी वहाँ एक किसान मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आया। वह किसान बहुत गरीब था, दिन रात खेत में मेहनत करके अन्न उपजाता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता। अभी वह रास्ते में आ ही रहा था तभी उसे राह में एक भूखा साधु मिला और उससे खाना मांगने लगा। वह किसान अपने लिए जो खाना लाया था वह उसने उस भूखे साधु को खिला दिया और मंदिर की तरफ चल पड़ा। थाल के बारे में उसने भी सुना था परंतु उसने थाल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और दर्शन कर मंदिर की परिक्रमा करके वापस जाने लगा। तभी पीछे से किसी ने कहा कि भाई अब जब तुम मंदिर में आए ही हो तो तुम भी थाल उठा कर देख लो, क्या पता तुम ही शिव जी के सच्चे भक्त हो। तो किसान को लगा कि शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अतः वह बोला कि मैं काहे का भक्त, मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, मंदिर भी कभी कभार ही आता हूँ, तो मैं भक्त कैसे हो सकता हूँ। फिर भी जब सब लोगों ने बहुत ही आग्रह किया तो वह थाल की तरफ बढ़ा और थाल उठाने के लिए जैसे ही उसने थाल को हाथ लगाया तो थाल एकदम से चमचमाने लगा और उस किसान के हाथ में थाल शुद्ध सोने का हो गया। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए और जय जयकार करने लगे। लोगों ने पूछा कि भाई तुम ऐसी कौन सी भक्ति करते हो, हमें भी बता दो। तब वह बोला कि मैं तो भक्ति पूजा पाठ कुछ भी नहीं करता हूँ, बस अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता हूँ और जो टाइम बचता है उसमें मैं ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। तब लोगों ने पूछा कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो, तो वह बोला कि उनके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे सुकून मिलता है और मैं आनंदित हो जाता हूँ, शायद यही कारण है कि भोलेनाथ मुझसे खुश हैं। दूसरों को खुश देखकर जो आनंदित होते हैं वही सच्चे इंसान और सच्चे भक्त होते हैं। भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे वो स्वयं दर्शन देते हैं। जो फल लंबी तपस्या से नहीं मिलता वो सच्ची श्रद्धा से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों,
आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।